का हमारे चैनल फंटासी सुपर 11 पर। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो होने वाला सेकेंड ODI के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए देख लेते हैं क्या रहेगा ड्रीम इलेवन का टीम। दोस्तों क्यूडी को जो कि बहुत शानदार खिलाड़ी है, हालांकि पिछले मैच में उसमें 16 गेंदों पे 15 रन किया था। इसके लेंगे विकेट कीपर पे। बैट्समैन को देखते हैं, डेविड आनर, स्मिथ, ये तीनों बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। अगले मैच देखे तो फर्स्ट ODI का डेविड ऑनर का था 27 गेंदों पे 25 रन, और ए फ्रेंच का भी था 12 गेंदों पे 10 रन। ये दोनों को मिस नहीं कर सकते, बहुत अच्छा खिलाड़ी है डेविड ऑनर ये फ्रेंच। एस स्मिथ का भी बहुत अच्छा था, 94 बॉल्स पे 76 रन मारा था। उसके बाद लबुसन भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जो कि 51 बॉल पे 41 रन का बारी खेलेगा। डी मिलर ये भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जो कि अगले मैच पे 70 गेंदों पे 66 का बारी खेला था। उसके बाद एज क्लासेन ये भी एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जो अगली बार फर्स्ट ODI में देखा था 114 गेंदों पे 130 रन का बारी खेले थे। ऑलराउंड पे देख लेते हैं, ऑलराउंड टूर पे के महाराज। बॉलिंग सेक्शन पे देख लेते हैं, मिथल स्टार जो कि 10 ओवर पे फर्स्ट ODI पे 10 ओवर पे 59 रन देके 2 विकेट निकाला था। पैट कमिंस भी बहुत अच्छा है खिलाड़ी, बॉलिंग करते हैं, जो कि 10 ओवर पे 45 रन देके 3 विकेट निकाला था। क्रेडिट का इशू आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। ये प्रिंस को ड्रॉप करके एल लूंगी, जो कि बहुत अगले मैच पे 8 ओवर पे 30 रन देके 3 विकेट निकाला था। तभी भी क्रेडिट का प्रॉब्लम आ रहा है। एनाटेज जो कि 8 ओवर में 39 रन देके 2 विकेट निकाला था। चलेंगे हमारे टीम पे, और एम मास को भी लेंगे। अब देख लेते हैं हमारा फाइनल टीम रहेगा, जो कैप्टन और वाइस कैप्टनसी, जो कि हेड टू हेड टीम के लिए फिलहाल कैप्टन डेविड ऑनर और क्यूडी क्लॉक के साथ जाऊंगा। अगर आप लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं तो लबुसन के साथ या स्मिथ के साथ भी जा सकते हो। ये रहेगी हमारा फाइनल टीम। अगर टीम में कोई भी चेंजेस हुआ लाइनअप के बाद, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अब लास्ट अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।